आज हम बनाएंगे चिकन पुलाव जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है 3 पाव, और ये हड्डी वाला चिकन है। इसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है और छोटी छोटी बोटियाँ करवाई हैं। चिकन आप जब भी लें पुलाव बनाने के लिए, हड्डी वाला लें, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 1.5 ग्लास मैंने चावल लिए हैं, और चावलों को मैंने अच्छी तरह से धोकर इनको 1 घंटा पहले भगो के रख दिया था। एक बड़ी साइज का प्याज लेकर उसको मैंने इस तरह से काट लिया है। अदरक लहसुन और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई 1 टेबलस्पून। 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसको हम दरमियान में से कट लगा के ये हम पुलाव में डाल देंगे। 1 बड़ी साइज का टमाटर लिया है, इसको मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है। खड़े मसालों में लिए हैं दालचीनी की स्टिक्स ली हैं थोड़ी सी, 2 बादियान के फूल लिए हैं, 3 सब्ज़ इलायची ली है, थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 1 टीस्पून लिया है काला ज़ीरा, 1 टीस्पून लिया है सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची ली है 1, थोड़ी सी जवत्री और थोड़ी सी जायफल तकरीबन चुटकी चुटकी। इनसे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। पुलाव को चटपटा करने के लिए हमने जो मसाले लिए हैं, 1.5 टीस्पून नमक लिया है या फिर हस्बे ज़ायका, 1 टीस्पून मैंने बिरयानी मसाला लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून ली है पिसी हुई लाल मिर्चें। और अभी हम बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है 1 पतीला, और इसमें हम तकरीबन 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देते हैं प्याज। प्याज को हमने लाइट सा कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज हमारे हो चुके हैं, और अभी हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मसालों को प्याज के साथ बस थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई। अदरक लहसुन को भी हमने मसालों के साथ और प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं चिकन। दो से तीन मिनट के लिए हमने चिकन को प्याज के साथ फ्राई कर लेना है और मसालों के साथ। उसके बाद हम इसमें दूसरे मसाले ऐड करेंगे। चिकन को हमने प्याज और अदरक लहसुन में अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हम इसमें डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही डाल देंगे सारे स्पाइसेस। और अगर आपके पास पुलाव मसाला है तो आप पुलाव मसाला डाल दें, बिरयानी मसाला आप छोड़ सकते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चिकन को बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया है। अभी हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैंने 1.5 ग्लास चावल लिए थे और हम इसमें तकरीबन डालेंगे 2.5 ग्लास पानी, क्योंकि पानी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, चावल हमने पहले से भगो कर रखे हैं। 2.5 ग्लास हमने पानी डाल दिया, और यहाँ पर आप इस स्टेज पर नमक चेक कर लें। अगर नमक आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। ऊपर से हम कवर कर देंगे और 1 बॉयल आने का इंतजार करेंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, अभी हम इसमें चावल डाल देते हैं। बस हल्के हाथ से हमने इनको मिक्स करना है, ऊपर से कवर कर देंगे। चूल्हा मैंने हाई से मीडियम की तरफ कर दिया है, और बीच में हम एक दफा इनको चेक जरूर करेंगे। हरी मिर्चें बताना भूल गई थी, हरी मिर्चें मैंने बाद में ऊपर से डाली थी, और
और अभी चावल जो है हमारे, इनका पानी आप देख सकते हैं खुश्क हो चुका है। चूल्हा थोड़ा सा कम कर देंगे और इनको थोड़ा सा चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद हम दम पे लगाएंगे। थोड़ा सा हम कपड़े को गीला कर लेंगे इस तरह से। चूल्हा मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया, तकरीबन 10 मिनट के लिए हमने चावलों को दम पर लगाना है और अभी हम 10 मिनट बाद चेक करेंगे। बहुत ही जबरदस्त से, बहुत ही मजेदार से हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और अभी हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। चिकन पुलाव हमारा तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।